कोऑपरेटिव बैंक्स। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? तुमने सारस्वत बैंक सुना है, जो कि काफी फेमस बैंक है ना। सारस्वत बैंक, रुपी बैंक, समर्थ बैंक, जलाराम बैंक, झूलेलाल बैंक, महिला सहकारी, ठीक है ना, कैथलिक बैंक, कितने सारे बैंक्स हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लोग लगते हैं 10, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट। ये सारे के सारे बैंक्स, यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक्ट 1912, उस पे लागू है। प्लस महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1960, इसके तहत ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये लोग को मेन तो कंट्रोल आरबीआई करता है। अभी रुपी बैंक करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई, क्योंकि कुछ ऑडिट या इरेगुलरिटी मिला होगा, कुछ गड़बड़ी मिला होगा, तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स लोकल पॉपुलेशन के बैंकिंग नीड्स पूरे करता है, लोअर और मीडियम लेवल ग्रुप्स। रिच लोग तो कहाँ अकाउंट ओपन करेंगे, एसबीआई, सिटी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक, ऐसी जगह। लेकिन गांव में छोटे मोटे और मीडियम इनकम ग्रुप्स के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छे। सो जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका 3 टीयर सिस्टम है, ये रहा, ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसे सारस्वत बैंक पूरे महाराष्ट्र में तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरे महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट लेवल, नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में 32 डिस्ट्रिक्ट है। तो महाराष्ट्र में 43,000 विलेजेस है, 43,000 विलेजेस है, 12 करोड़ का पॉपुलेशन है महाराष्ट्र का। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिन्नर, संगम देरी आ जाएगा, है ना। तो वो नासिक, सिन्नर, ये सब जगह विद इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो काम करता है वो, और प्राइमरी कोऑपरेटिव सिर्फ गांव में काम करेगा। सो सारस्वत बैंक पूरे महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट मतलब सिर्फ नासिक जिले में जो आता है, नासिक जिला में आएगा तो नगर, अहमदनगर जिला में नहीं आएगा, ठीक है। और प्राइमरी कोऑपरेटिव सबसे लोअर लेवल पे वो गांव में काम करेगा, विलेज में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 टीयर सिस्टम में अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी काम होता है। इन पे इल्जाम भी लगा जाता है, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद भी हुए, फ्रॉड भी हुए हैं। एक पीपल्स कोऑपरेटिव था, बंद हो गया, फिर सारस्वत बैंक के साथ मर्ज कर दिया। अभी रुपी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, मुझे चेक करना पड़ेगा कि लक्ष्मी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है कि नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका जवाब मैं देता हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज अ कमर्शियल बैंक अंडर द पब्लिक सेक्टर। वो पूरे देश में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही रहेंगे, या गुजरात में 32 डिस्ट्रिक्ट है, 32, तो उनमें गुजरात का बैंक कोऑपरेटिव अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, ठीक है ना। बहुत रेयरली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दो या ज्यादा स्टेट में काम करेंगे, तो उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बोलते हैं, लेकिन बहुत कम। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक, एसबीआई नंबर वन पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है, एचडीएफसी नंबर वन प्राइवेट सेक्टर में, और कोऑपरेटिव सिर्फ गांव, डिस्ट्रिक्ट, जिला या तो स्टेट में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, करेक्ट। शेतकरी लोग ज्यादातर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अकाउंट ओपन करेंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कोऑपरेटिव का? और कोई क्वेश्चन है? इफ नो, तो ये वीडियो खत्म हो